टर्न ड्राइंग्स में हमने कल इररेगुलर ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट सीख लिया था, उसके दो मेथड होते हैं, एक सिंपल और एक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो दूसरी तरह की ड्राइंग्स होती है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। बेटा एक चीज क्लियर कट रखना अपने दिमाग में कि आपको पेपर में ये नहीं बताया जाएगा कि ड्राइंग्स ये रेगुलर है या इररेगुलर है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। इररेगुलर तो पता लग गया, कैसे पता लगेगा कि डेट्स का कोई सीक्वेंस नहीं हो रहा। जो रेगुलर ड्राइंग्स होंगी उसका जवाब क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये तो देख के पता लग रहा है कि रेगुलर है। उसके क्वेश्चन करने से पहले हमें चार स्टेप में सॉल्यूशन करना होता है उसका, पहले वो चार स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। और बेटा ये स्टेप कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, मुझे नहीं पता आपने पहले कैसे किया है, आपके टीचर्स ने आपको कैसे कराया है। आपको पेपर में आंसर निकालने के साथ साथ उसको अभी बताया कि प्रेजेंट भी करना आना चाहिए, तो हमें चार स्टेप में सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि आप ये चारों स्टेप्स के फॉर्मूले लिखें, पर चारों स्टेप्स आने चाहिए। पहला आप निकालेंगे हर क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स, बेटा बोलेंगे नहीं आप सुनेंगे सिर्फ। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन, यानी कि कितना पैसा आपने निकाला है, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑब्लिक, अगर क्वार्टरली क्वेश्चन है तो क्वार्टर। दूसरा स्टेप होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, जो जनरली आपके पास गिवन होता है। तीसरा स्टेप होता है हमारा एवरेज टाइम। बेटा यही स्टेप है जो मैंने देखा है काफी सारे टीचर्स इस टाइम क्रैम करवा रहे हैं कि आप परसेंट टाइम को 7.5 ले लेना, एक बार 6 ले लेना और एक बार 4.5 ले लेना, 6.5 ले लेना, 5 ले लेना या 5.5 ले लेना। उसको क्रैम करने से अच्छा, रटने से अच्छा हम उसको समझ लेते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आई नो कुछ बच्चों को फॉर्मूला लेंदी लगेगा, हमें ये फॉर्मूला लिखना थोड़ी है पेपर में, सॉल्व करना आना चाहिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन टू। मैंने आपको कहा ये तीनों स्टेप्स आएंगे, मैंने ये नहीं कहा कि आप फॉर्मूला लिख के आने वाले पेपर में। ये लिखे टोटल ड्राइंग्स, वैल्यू निकालना, रेट लिख दे, एवरेज टाइम वैल्यू पुट करें आंसर, और लास्ट स्टेप में हमारा सॉल्यूशन आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू स्टेप वन, यानी कि टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज में होगा, इनटू स्टेप टू अपॉन 100 क्योंकि परसेंटेज में होगा, इनटू स्टेप थ्री यानी कि जो आपने एवरेज टाइम निकाला अपॉन 12 क्योंकि टोटल मंथ्स हमारे 12 होते हैं साल। कोई प्रॉब्लम? अब इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन सुनेंगे बच्चे, बाद में आप नोट जो करना हो करना। देखो ए एक पार्टनर है, उसने विड्रॉ करे हैं रुपीज 5000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी कि उसकी 5000 पर मंथ की ड्रॉइंग्स है। फिर क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमें क्या निकालना है इससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ इफ, तीन केस बनते हैं बेटा, बोर्ड ऊपर तक विजिबल है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस केस में निकालना है इफ तीन बातें होंगी, अमाउंट इज विड्रॉन इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, दूसरा केस इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और तीसरा एट एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हर महीने के बिगनिंग में, हर महीने के एंड में या हर महीने के मिडल में,
यानी कि एक सीक्वेंस बता रहा है ना कि पैसा निकाल रहे 5,000 रुपए पर मंथ, हर महीने 5,000 निकल रहा है। पहला केस हर महीने के शुरुआत में, दूसरा हर महीने के मिडिल में यानी कि 15 तारीख को, तीसरा हर महीने के एंड में। तो एक रेगुलर सीक्वेंस दिख रहा है, तो मेथड का नाम क्या है इसीलिए रेगुलर ड्रॉइंग्स। कौन सी ड्रॉइंग्स है ये हमारी? अब ये रेगुलर ड्रॉइंग्स है तो हमें चार स्टेप में सॉल्व करना है। अब देखो मैं केस वन जो है इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले, यही चार स्टेप लगा के। केस वन, स्टेप वन, केस वन में हम सॉल्व कर रहे हैं चारों स्टेप के थ्रू। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं बेटा? टोटल ड्रॉइंग्स। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग्स, अमाउंट विड्रॉन इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। कितना अमाउंट निकाला है? 5,000। साल में कितने महीने होते हैं? पूरे 12। तो हम निकालेंगे, शॉर्टकट नहीं लेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 5,000 इनटू 12, 60,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है कितना? 6% पर एनम। तीसरा, हम क्या लेते हैं? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम हम निकालना सीखते हैं बेटा। केस क्या है? इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। आपके मंथ शुरू होते हैं अप्रैल, मई, जून और एंड अप होते हैं फरवरी और मार्च। क्या कहा केस वन में? इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के पहली तारीख को, यानी कि फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, करते करते फर्स्ट फरवरी, फर्स्ट मार्च, हर महीने की पहली तारीख को निकले होंगे पैसे। फॉर्मूला क्या है एवरेज टाइम का? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट। पहली बार कब निकाला पैसा? फर्स्ट अप्रैल। वहां से कितना टाइम बचा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहली बार जब पैसा निकाला वहां से ईयर एंड तक कितना समय है हमारे पास? 10 महीने 12 महीने 10 11 12। वेरी गुड। आप फर्स्ट अप्रैल को सोच रहे हैं कि ईयर एंड होने में कितने महीने बचे हैं? 12 महीने 12। कैसे ऑप्शन आ भी कैसे सकता तुम्हारे दिमाग में 10 और 11 का? 1 अप्रैल को आप कह रहे हो कि अभी 10 महीने बचे हैं साल खत्म होने में, पूरे 12 महीने हैं हमारे पास। 12 यस। आखिरी बार क्या लिखा है फॉर्मूला समझो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग हो गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग कब हुई है? फर्स्ट ऑफ मार्च। वहां से कितना टाइम है ईयर एंड होने में? पूरा 1 मंथ। तो 12 प्लस 1 अपॉन 2, इट कम्स आउट टू बी 6.5। 13 अपॉन 2 6.5 हो जाएगा। तो हम निकाल पाएंगे लास्ट स्टेप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू स्टेप 1, इसका मतलब है 60,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 30 65 इंटू 30 जीरो 6 5 15 60 18 1950। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें? हाँ जी आदित्य सर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग कब हुई थी बेटा? पहली बार तो लास्ट आफ्टर लास्ट कब हुई थी? 1 मार्च। वहां से ईयर एंड का कितना समय है? वही तो लिया 12 प्लस 1 अपॉन 2। यस, समझ आ गया सब बच्चों को? अगर मुझे सेकंड केस में नोट करना है तो सेकंड केस में मेरा सलूशन क्या होगा बेटा? देखते हैं, यहां तक तो विजिबल ही नहीं होगा बोर्ड नीचे। केस टू इधर सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग्स। 5,000 पर मंथ थी इंटू 12, 60,000, यानी कि स्टेप वन तो सेम है। हाँ जी ठीक है। स्टेप टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। स्टेप थ्री, एवरेज टाइम। देखो बेटा मंथ शुरू हो रहे हैं अप्रैल से शुरू होंगे, अप्रैल, मई, जून,
फेब्रुअरी और मार्च. क्या है स्टेप टू? इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पहली बार कब निकाला जाएगा? 15th ऑफ अप्रैल, 15th ऑफ मई, 15th ऑफ जून, 15th ऑफ फेब्रुअरी एंड 15th ऑफ मार्च. अब आप फॉर्मूला लगाएं एवरेज टाइम का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग. तो ये फर्स्ट है और ये लास्ट है. फर्स्ट ड्रॉइंग से लेके ईयर एंड तक कितना टाइम? टोटल 12 महीने होते हैं हमारे. 12 में से अप्रैल के 15 दिन निकल गए तो कितने बचे? 11.5 महीने. इसको हम लिख सकते हैं 11.5. आखिरी बार कब निकाला? 15 मार्च को. यहां से ईयर एंड तक हाफ मंथ, हाफ मंथ का मतलब 0.5 अपॉन 2, तो ये आ गया 6. तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 1800. समझ आ गया सबको? केस थ्री क्या है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो सबसे पहले आप क्या निकालने वाले हैं? टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? वही 5000 इंटू 12 कम्स आउट टू बी 60,000. रेट 6% एवरेज टाइम. बेटा ध्यान से समझेंगे, एवरेज टाइम क्या लिखा है? एट द एवरी मंथ. ये मंथ है हमारे जो अप्रैल टू मार्च चलने वाले हैं, हर महीने के एंड में. अब बेटा कोई भी बच्चा प्लीज इसकी ज्यादा डिटेल में मत चले जाना, सर अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, ऐसा नहीं. हम ये मानेंगे हर मंथ 30 को एंड हो रहा है, ठीक है? इसको सिंपल रखते हैं, 30, 38, 30. हाँ बेटा मुझे भी पता है कि फेब्रुअरी 28 का होता है और किसी किसी साल में 29 का भी होता है, तो लीप ईयर भी देखिए. इसीलिए मैंने कह दिया फॉर सिंपलिसिटी हम मंथ को 30th ही मानेंगे एंड में. आपका 30th अप्रैल पहली बार निकली ड्राइंग, क्योंकि हर मंथ के एंड में है, और आखिरी बार 30th मार्च. यहां से ईयर एंड तक कितना टाइम है? मार्च अप्रैल खत्म हो गया पूरा 11 मंथ्स, और आखिरी बार कब निकाला? 30th मार्च. वहां से कितना टाइम है? 0. ईयर एंड ही हो गया, वो तो 11 प्लस 0 अपॉन 2 5.5. हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 60,000 इनटू 6 अपॉन 100 इनटू 5.5 अपॉन 12. यू कैन सॉल्व इट. समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? नो भैया. अगर आपने इसको नोट करना है तो फटाफट से नोट करें, हम वेट करते हैं. एक बार पॉज कर दो क्लास. बेटा रेगुलर ड्राइंग्स में मंथली के साथ साथ क्वार्टरली के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. देखो क्वेश्चन किस तरह का होगा. सपोज बी एक पार्टनर है जिसने विड्रॉ करे हैं रुपीज 15,000 पर क्वार्टर. वो मंथली था, ये पर क्वार्टर है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, चल हम रेट सेम ले लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 6%, ठीक है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. ये भी हो सकता है भैया, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. समझ आया क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडल ऑफ द क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर. अब अगर हम बात करें केस वन, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है. थ्री मंथ्स का एक क्वार्टर होता है और साल में चार क्वार्टर होते हैं. जिस बच्चे को डाउट आए, आप सिंपल सी बात याद करना, साल में कितने महीने हैं, उसके हाफ का हाफ होता है एक क्वार्टर. साल में 12 महीने, हाफ 6 महीने, 6 महीने का हाफ
3 months, एक क्वार्टर 3 months का होता है, तो साल में 4 quarters आएंगे, 3 months के 4 quarters. देखो हम सबसे पहले स्टेप्स यही फॉलो करने वाले हैं. टोटल ड्रॉइंग्स निकालेंगे, केस वन. टोटल ड्रॉइंग्स कितनी आएंगी हमारी, 15,000 पर क्वार्टर, और एक क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, समझ आ गई बस, 60,000 की ड्रॉइंग्स है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. एवरेज टाइम, अब बेटा एवरेज टाइम समझेंगे, टाइम क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग, ध्यान से समझेंगे बेटा. हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां क्वार्टर ड्रॉ करते हैं. पहला क्वार्टर अप्रैल में अगर शुरू हुआ, अप्रैल मई जून, 3 महीने का होता ना, अप्रैल मई जून. दूसरा शुरू होगा जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, और जनवरी से ये आ गए हमारे 3-4 quarters. क्या लिखा, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगनिंग, यानी कि 1st अप्रैल, 1st जुलाई, 1st अक्टूबर, 1st ऑफ जनवरी, ये है इसका मतलब, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. अंतरिक्ष समझ आया बेटा. उन्होंने क्या कहा, एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग कब हुई है, 1st अप्रैल, यहां से ईयर एंटर पूरे 12 महीने, समझ आए. आखिरी बार कब हुई है, 1st ऑफ, यहां से ईयर एंटर 3 months अपॉन 2, ये आ गया 7.5. कोई प्रॉब्लम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू स्टेप 1 दैट इज 60,000 into step 2 that is 6 upon 100, step 3 7.5 upon 12, decimal it aaya 0, 3 zero se 3 zero cancel, 6 1 sir, 6 2 sir, 2 2 5 0 double 2 5 0, is it clear, samajh aaya sabko, kisi ka phone vibrate ho raha hai usko sahi kar, samajh aa gayi baat, कोई डाउट नहीं भी आपको, क्लियर है. देखो केस टू क्या लिखा है, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, ध्यान से समझ लेना बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. पहले तो टोटल ड्रॉइंग्स वो कितनी आएंगी, 15,000 × 4, क्योंकि चार साल में 4 quarters होते हैं, 60,000. टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट 6%, एवरेज टाइम समझते बेटा. क्वार्टर चल रहे हैं अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी और मार्च. क्या कहा, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, अप्रैल और जून से जो क्वार्टर है उसका मिडल आता है मई, और मई का मिडल आता है 15th ऑफ मई, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 15th मई, 15th अगस्त, 15th नवंबर और 15th, ये समझ आया, लेना है उसको भी अंदर बेटा. मिडिल तो 3 महीने का मिडिल तो क्या होगा, जो सेकंड डेढ़, 3 का मिडिल डेढ़ होगा ना, तो उसका डेढ़ तो 15th ऑफ मई बैठ रहा है, समझ आ गई बात. अब क्या फार्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली बार कब निकला, 15 मई, वहां से ईयर एंड तक, देखो अप्रैल पूरा गया, मई के 15 दिन गए, यानी कि 12 में से 1.5 महीना कम हो गया, 10.5, ये समझ आया, 10.5 कैसे लिया मैंने. अब आखिरी बार कब निकला है, 15th ऑफ फरवरी, फरवरी के 15 डेज बचे हैं, और मार्च पूरा, तो 1.5 upon 2, इट कम्स आउट टू बी 6. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 60,000 into 6 upon 100 into 6 upon 1800. हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, क्लियर. नेक्स्ट लास्ट केस, केस नंबर 3, इधर कर रहे हैं हम. टोटल ड्रॉइंग्स 15,000 × 4, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर हैं, 4. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%.
एवरेज टाइम क्या है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। ये हमारे क्वार्टर चल रहे हैं, इस क्वार्टर में एंड, पहले क्वार्टर का एंड कब हो रहा है? फर्स्ट 30 जून, 30th मान लो, 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर, 30 मार्च, ठीक है। पहली बार पैसा कब निकला? 30 जून को। वहां से ईयर एंड तक कितना समय है? 9 महीने, अप्रैल में जून निकल गए, 3 महीने निकल गए, 9 मंथ्स। आखिरी बार अपॉन 4.5, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 6 अपॉन इंटू 4.5, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। शिवर इसकी फोटो क्लिक कर बेटा। चलो बेटा, इसी में कुछ और तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, सी एक पार्टनर है जिन्होंने विड्रॉ करे हैं रुपीज 5,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स या 6 मंथ्स या 8 मंथ्स, जितने भी वो चाहे मंथ्स लिख सकते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम इफ अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड, मिडल या बिगिनिंग कुछ भी हो सकता है। मेन पॉइंट क्या है जो मुझे इसमें क्वेश्चन में कराना है कि हमने जो पैसा विड्रॉ करा 9 मंथ्स के लिए किया, जिन बच्चों ने पहले पॉइंट्स को रटा हुआ था वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि मैं इसमें 7 मंथ्स कर दूंगा तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ये वाला कितनी वैल्यूज याद कर लेंगे, ये जो एवरेज टाइम है ना बेटा, हमारे शहर में ज्यादातर टीचर्स इसको याद करवा रहे कि एवरेज टाइम एक, अगर ये लिखा होगा तो 6.5 ले लेना, ये लिखा होगा तो 6, नहीं तो 5.5, 7.5, 6, 4.5, याद किया हुआ कुछ केसेस में। पर अगर मैं एज ए एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा हूं, मुझे भी पता है 6 वैल्यू तो सबने याद करी है, मैं कुछ और ही दूंगा, समझ रहे हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा सिंपल सा सोल्यूशन है, टोटल ड्रॉइंग्स वही 3-4 स्टेप्स। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होने वाली है? 5,000 इंटू नंबर ऑफ, कितने निकाले आपने अमाउंट? 9। तो बेटा स्टेप मिस करना गलती करवा देगा आपसे। रेट इट इज 6%, एवरेज टाइम ध्यान से देखना बेटा, एवरेज टाइम कितने महीने है? 9। अप्रैल से शुरू कर रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मार्च तक लेके जाऊं इसे? क्यों? 9 मंथ्स की बात हुई है, यहीं पे खत्म हो जाएगा मेरा टाइम। कब विड्रॉ करा? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर एक की 30th को। पहली बार कब निकाला? यहां से एंड तक कितना टाइम है? 8 मंथ्स, क्योंकि पहली बार तो एंड हो रहा दिसंबर में और अप्रैल खत्म हो चुका है, तो 8 मंथ्स। और आखिरी बार 30 दिसंबर, वही एंड है और वही लास्ट है, 0/4। एवरेज टाइम 4 वाला क्वेश्चन किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 45,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, समझ आया? तो हम अगर अपने बेसिक्स पे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कितने भी मंथ्स का आ जाए हम इजीली सॉल्व उसे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्लियर? अनस का एक डाउट था जो इसने अपने मन मन में बोला था हल्के से, इसने सोचा शायद भैया ने सुना नहीं, मैंने सुन के उस टाइम इग्नोर किया कि सर ये जो आपने मंथली के साथ क्वार्टरली कहा, इसमें अगर ईयरली ड्राइंग आ जाए तो क्या होगा, है ना? बोला था ना एक बार, पर पूछा नहीं। चलो अब मैं खुद ही बता देता हूँ। और बेटा कुछ बच्चे तो बहुत बार टेस्ट कर चुके, भैया के कान अभी सही है, है ना? बुढ़े नहीं हुए, गलती से कह दिया था, पर गलती तो सही थी, लेकिन वो वहां पे डिस्कस करने वाली नहीं थी। ये आप एक बार इसकी फोटो भी क्लिक कर ले, बेटा बुढ़े वाली बात। अरे कोई नहीं यार, जाना तो सबने किया, होगी फोटो। चल
अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है डी एज अ पार्टनर विड्रॉस रुपीज 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम. आपको ड्यूरिंग द ईयर 120 दिया है, किस दिन निकाला, डेट बताई नहीं बताई. देखो अगर डेट होती मेरे पास, सपोज डी विड्रॉज 120 ऑन 1st of July, डी विड्रॉज 1,20,000 ऑन 1st of July, तो मैं क्या करता, 120 इंटू 6/100 इंटू 9/12 करते आंसर निकालता, क्योंकि पूरे साल की एक साथ दी है ना बेटा. बात समझना, एक तो रेगुलर नहीं है, समझना ये इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रेगुलर नहीं है, पूरे साल का एक साथ दे दिया. दूसरा, हर आप देखते हैं जो इरेगुलर था उसमें भी 3-4 बार निकाली थी तो मेथड लगाना पड़ा, इसमें एक ही बार निकाला, इस दिन निकाला तो ये लग गया. अब इस क्वेश्चन में और क्या फर्क आया, एक बार निकाला, किस दिन निकाला ये भी नहीं बताया कि पूरे साल में कितने निकाले, 1,20,000. तो जब ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 6/100 और टाइम ले लेता हूं एवरेज टाइम दैट इज 6/12. किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है तो अपॉन 2 करते हैं ना, तो ये भी तो अपॉन 2 ये बेसिकली 6/12 का मतलब 1/2 यानी कि हाफ कर रहे हैं आप उसका. क्लियर? पर अगर इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, अगर वर्ल्ड पर एनम ना हो तो मेरा इंटरेस्ट ऑन रेंट्स कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 6/100. ऐसा क्यों सर, ध्यान से समझना, ये जो परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा है इसका मतलब ये पूरे साल का 6% है और मैंने एवरेज टाइम लेना क्योंकि मुझे टाइम नहीं बताया कि कब निकाले. इस केस में पर एनम ना होने की वजह से ये 6% पर एनम का रेट नहीं है, ये 6% 1,20,000 का 6% है ना, बात खत्म. उसने पूरे साल की बात ही नहीं करी, समझ रहे बात को आप, तो उसमें एवरेज टाइम हम नहीं निकालते. इस केस में मेरा 7,200 आंसर आएगा और इस केस में आएगा मेरा 3,600. क्लियर हो गई बात, कोई डाउट इसमें? अब मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे. एक क्वेश्चन जो बुक में नहीं है फिर भी कई बार सैंपल पेपर में या आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months या 8 months वाला क्वेश्चन, उसमें ना एक क्वेश्चन देते हैं लाइक देखना, ई विड्रॉज रुपीज 6,000 बाय मंथली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 months. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 months इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी बाय मंथली. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अलाउड एट द रेट 6%. अब बेटा ध्यान से समझना, बाय मंथली का मतलब क्या होता है, नहीं बाय मंथली मींस 2 महीने में एक बार, जैसे क्वार्टरली में आपने 3 महीने को एक पीरियड माना था, यहां बाय मंथली में 2 महीने को एक पीरियड मानेंगे. तो पहली बाय मंथली शुरू होगी जैसे अप्रैल और मई, दूसरी बाय मंथली जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी. एक मिनट बेटा, 10 महीने बोले थे, 10 चेक करो, हो गए पूरे साल के नहीं बोले मैंने, समझ आ गई बात. तो 10 months में कितने बाय मंथली बने, 5, क्योंकि एक बाय मंथली मतलब 2 महीने का एक पीरियड, तो 10 महीने में कितने बाय मंथली बनेंगे, 5. तो मेरा सोल्यूशन अगर मैं इसका करूं,
6000 इंटू 5, क्योंकि टोटल ड्रॉइंग्स क्या था, अमाउंट विड्रॉन इंटू नंबर ऑफ मंथ, क्वार्टर या बाय मंथली, तो बाय मंथली 5 बने, कितना आ गया आपका 30,000. रेट कितना है 6%. एवरेज टाइम ध्यान से देखेंगे बेटा क्या कहा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी बाय मंथली, यानी के 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, पहली बार कब निकाला, यहां से टाइम पीरियड एंड तक कितना टाइम है, आखिरी बार कब निकाला, फर्स्ट ऑफ, यहां से एंड तक कितने, दो जनवरी में खत्म हो रहा है टाइम पीरियड, दिसंबर और अपॉन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल ही लेंगे आप, 30 × 6/100 × 6/12, कुछ भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ टाइम को रटेंगे नहीं हम, क्लियर. आज हम टॉपिक को यहीं पे एंड ऑफ करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, क्लास एंड.